खरगोन जिले में 262 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की पद स्थापना के लिए शनिवार को शहर की कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में काउंसलिंग आयोजित की गई। इसमें जिले के संपूर्ण रिक्त स्थान नहीं दर्शाने के कारण मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लच्छीराम इंगले और मनोहर राठौर ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके चलते काउंसलिंग निरस्त कर दी। लक्ष्मी राम इंगले ने बताया कि संगठन ने इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य को ज्ञापन सौंप कर पोर्टल अपडेट कराने का आग्रह किया था, लेकिन अपडेशन नहीं होने से जहां पहले ही अधिक शिक्षक है वहां पोर्टल ने रिक्त पद बता दिए और नव नियुक्त शिक्षकों ने उन विकल्पों को चुन लिया। संघ की आपत्ति पर उनकी पद स्थापना निरस्त की गई। संगठन ने पारदर्शी काउंसलिंग के लिए फिर ज्ञापन सौंपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। का नहीं है, लेकिन जब भी रास्ते में दिया गया रास्ते में था। आपकी मानसिकता क्लियर थी कि आपको इसी स्कूल में जाना है, अब ये आके कह रहे हैं कि यहाँ अतिशेष है, ये वाला मसला है ना। और कौन है? नेक्स्ट आई है सरिता सोलंकी। क्या नाम है? सरिता सोलंकी। सरिता प्रॉपर खरगोन की मिल भी गई थी। अब मुझे अब जो चॉइस फिलिंग का आ रहा है सेकंड काउंसलिंग में, तो अब कौन सी स्कूलें मिलेगी बची कुची जो है? क्योंकि जो मेरे से लोअर थे उनको भी आज की कंडीशन में मेरे से अच्छी स्कूलें मिल गई है। अब गलती इसमें किसकी है? गवर्नमेंट की है, उनके अधिकारियों की है। और ये अभी भी प्योटल और अभी भी केवल दो ब्लॉक की स्कूलें दी है। गोगावा ब्लॉक का न फर्स्ट काउंसलिंग में नाम था, एक भी स्कूल नहीं थी, ना अभी की काउंसलिंग में। अभी भी उनका पोर्टल अपडेट नहीं है, खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और इतनी जल्दी कौन करता है कि आज ही आपने स्कूल बताई और आज ही बोले कि अभी की अभी सिलेक्ट करिए। हमें कम से कम 5-6 दिन का टाइम दीजिए कि हम जाके वहाँ देखें कौन सी स्कूल कितनी दूर है कितनी नहीं है। सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है, आज उनको यहाँ आकर बता दिया कि स्कूलें अतिशेष है। तो ये जो गड़बड़ी आ रही है, अतिशेष वाला जो पोर्टल पर अपडेट वाला मसला था, ये इनको कब करना था? क्योंकि 2 मार्च से जो इनकी चॉइस फिलिंग वाला जो मसला था वो 2 मार्च का था। तो मतलब जो अतिशेष की जो जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना थी वो कहाँ खामियाँ कहाँ रह गई है? ये विभाग की खामी है। अभी भोपाल मैंने बात करी तो 1 साल पहले जो पोजिशन थी वो पोजिशन के आधार पर इन्होंने भोपाल से पोस्टिंग करी है। और इसी बात का मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने विरोध किया है कि आज की स्थिति में जितनी रिक्तियां हैं पूरे जिले में पूरी रिक्तियां प्रदर्शित की जाएं और काउंसलिंग के 4 दिन पूर्व पोर्टल पर उसको अपडेट किया जाए, ताकि प्रत्येक कैंडिडेट उसको देख सके कि कहां कहां पर पद रिक्त है और मेरी चॉइस फिलिंग के आधार पर मुझे किस स्थान का चयन करना है। तो अभी क्या निर्णय लिया है? अभी ये निर्णय हुआ है कि अभी स्थगित की जाती है। अब वापस कलेक्टर साहब से और सहायक आयुक्त महोदय से मिलेंगे हम और उनसे ये बात करेंगे कि 4 दिन पहले हमारे सारे साथियों को जिले में जितने रिक्त स्थान है उनकी जानकारी दी जाए। और उस बात के बाद भी यदि ऐसा नहीं होता है तो पुनः मध्य प्रदेश शिक्षक संघ आंदोलन करें। आज वो प्राथमिक विद्यालय की उनकी पोस्टिंग की काउंसलिंग थी, जिसमें कि हमारे यहाँ जिन्या और भगवानपुरा ब्लॉक के शिक्षक बीन शालाएँ एवं सिंगल शिक्षक शालाओं की काउंसलिंग की जा रही थी, परंतु शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया गया कि इसमें सभी ब्लॉकों की लिस्ट होना चाहिए। इस कारण से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से इसके काउंसलिंग को कैंसिल किया गया और आगामी तिथि पर इसको उनको सूचित किया जाएगा और पुनः इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह से फिर से काउंसलिंग की जाएगी और उनको सूचित किया जाएगा। शिक्षक आपत्ति कर रहे सर इस मामले के लिए? शिक्षकों की आपत्ति थी कि जिन्या और भगवानपुरा में ही क्यों हमको भेजा जा रहा है, हमारे नंबर भी मेरिट लिस्ट में ज़्यादा हैं तो हमको अन्य ब्लॉकों में भी भेजने का होना चाहिए था, इस कारण से उनका विरोध था। मैं एबी गुप्ता, सहायक संचालक, एसी टेबल, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।